तेरे ख्वाबों का कोरा आसमान बाकी है, तेरे ख्वाबों का कोरा आसमान बाकी है, अभी दिल की चुनाव का रुझान बाकी है। तेरे ख्वाबों का कोरा आसमान बाकी है, अभी दिल की चुनाव का रुझान बाकी है। इतनी सी ऊंचाई पे घुमा किस बात की, इतनी सी ऊंचाई पे घुमा किस बात की, अभी तो बहुत ऊंची ऊंची उड़ान बाकी है। वाह वाह वाह। और अगली मुक्तक है दोस्ती और प्यार, जिस पे लेना चाहे आसानी से आ जाएगी। पुरानी दोस्ती की एक नई शुरुआत बाकी है, पुरानी दोस्ती की एक नई शुरुआत बाकी है, साथी मेरे जमीन पर अभी बरसात बाकी है। पुरानी दोस्ती की एक नई शुरुआत बाकी है, साथी अभी मेरे जमीन पर बरसात बाकी है। दिले अदालत की तारीख पे आओ कभी, दिले अदालत की तारीख पे आओ कभी, वक्त रहते सुलझा लूं कई मामला बाकी है। और आजकल का दौर जैसा चल रहा है, बहुत लोगों के नियत खराब होते हैं, गलत नजर से भी देखते हैं उन पर है। अक्सर तेरे चेहरे पे तबस्सुम की नकाब हुआ करते हैं, अक्सर तेरे चेहरे पे तबस्सुम की नकाब हुआ करते हैं, कितनी अंधेरी रातों के बाद शबे महताब हुआ करते हैं। शबे महताब यानी चांदनी रात। अक्सर तेरे चेहरे पे तबस्सुम की नकाब हुआ करते हैं, कितने ही अंधेरी रातों के बाद शबे महताब हुआ करते हैं। मुझसे ना सही औरों से पर्दा किया करो तुम, मुझसे ना सही औरों से पर्दा किया करो तुम, सच कहता हूँ यूं लोगों की नियत खराब हुआ करते हैं। और जैसा किसी ने कहा था कि आजकल बस इधर उधर सब प्यार करते हैं और माँ बाप से नहीं करता, तो मैं कहना चाहूंगा कि प्यार सबसे पहले खुद से शुरू होता है, और जो खुद से प्यार करता है यानी उसके रगों में माँ बाप हर कोई बसे हैं, तभी वो किसी और से प्यार कर सकता है। और ये पॉसिबल है एक साथ प्रेमिका और माँ से, या पत्नी या माँ से, दोनों से एक साथ प्रेम करना। ऐसा हमारे युग पुरुष पुरुषोत्तम राम ने किया है, कृष्ण ने किया, और कृष्ण ने तो कितनों से प्रेम किया ये गिनती भी नहीं पता। तो इस बात पे ना जाए कि कोई ये कविता सुना रहा प्रेम पे, तो इस पे ना जाए कि वो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता, सब करते हैं। मेरे किस्से का हर किस्सा रोमानी जरूरी तो नहीं, रोमानी यानी कि रोमांटिक। मेरे किस्से का हर हिस्सा रोमानी जरूरी तो नहीं, सबके हिस्से में हूँ मीरा दीवानी जरूरी तो नहीं। मेरे किस्से का हर हिस्सा रोमानी जरूरी तो नहीं, सबके हिस्से में हूँ मीरा दीवानी जरूरी तो नहीं। फासलों में भी इश्क रहेगा तुझसे हमेशा, फासलों में भी इश्क रहेगा तुझसे हमेशा, मोहब्बत का ये रिश्ता जिस्मानी जरूरी तो नहीं। और जो इस बात को नहीं समझते हैं उनके लिए अगली दो लाइन है जो फिर से मिला के कह रहा हूँ। मेरे किस्से का हर हिस्सा रोमानी जरूरी तो नहीं, सबके हिस्से में हो मीरा दीवानी जरूरी तो नहीं। और वैसे भी सबके हाथों में इश्क की लकीर कहाँ होती, और वैसे भी सबके हाथों में इश्क की लकीर कहाँ होती, हर किसी पे खुदा की मेहरबानी जरूरी तो नहीं। और एक है जो आप ब्रेकअप करते हैं, जो ब्रेकअप के बाद बर्बाद हो जाते हैं, उनके लिए वो प्यार नहीं एक्चुअली वो अट्रैक्शन होता है, प्यार सिंगल भी होता है। माँ मीरा ने किया है, जो कि वो थे भी नहीं असल में, वो जानती थी कि वो हमें मिलने वाले नहीं है इस जन्म में, फिर भी वो प्रेम करते थे। इसलिए प्यार के लिए दो होना नहीं, सिंगल काफी है। तो आजकल के जमाने के लिए, अगर तुझको शक है तो मुझे भी तुम पे यकीन नहीं है, अगर तुझको शक है तो मुझे भी तुम पे यकीन नहीं है, सबके हिस्से में कभी आसमां तो कभी जमीन नहीं है। अगर तुझको शक है तो मुझे भी तुम पे यकीन नहीं है, सबके हिस्से में कभी आसमां तो कभी जमीन नहीं है। अपनी मोहब्बत से अगर तू मुझे संवार ना सकी, अपनी मोहब्बत से अगर तू मुझे संवार ना सकी, तो सनम बेशक तू चुड़ैल है कोई नाज़नीन नहीं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे जैसे आप जीते हैं वैसे वैसे आप मरते भी। अगर एक दिन आपने जिया तो अपनी जिंदगी का आप एक दिन मर भी रहे हैं, तो मतलब कि जिंदगी जीना किसी दिन का एक कितना, और जिंदगी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जिंदगी जी रहे हैं, ज्यादा उम्र बढ़ रही है आपकी तो जिंदगी घट रही है। तो उसी पे है, यहाँ अपने ही खून को पी पी कर जीना पड़ता है, यहाँ अपने ही खून को पी पी कर जीना पड़ता है, हर रोज जीने को हर रोज थोड़ा मरना पड़ता है, यहाँ अपने ही खून को पी पी कर जीना पड़ता है, हर रोज जीने को हर रोज थोड़ा मरना पड़ता है। इस शहर के लोग समझते नहीं बेजुबानियों को,
इस शहर के लोग समझते नहीं बेजुबानियों को, अपनी खबरों का मुझे ही अखबार हो जाना पड़ता है। और जो कुछ लोग इश्क और इश्क मोहब्बत और हवस सब मिला जुला के बोल रहे हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, तो बहुत छोटे लोग हैं, उनकी सोच बहुत छोटी है। इश्क और हवस बहुत दूर दूर की बात है, जैसे कि दोपहर का चांद और रात की चांदनी का एक साथ मिलना जितना इम्पॉसिबल उतना ही दोनों का। देखो कुछ लोग जिंदगी की बोझ ढोने निकले हैं, देखो कुछ लोग जिंदगी की बोझ ढोने निकले हैं, इश्क की ऊंचाइयों में कुछ लोग बौने निकले हैं। देखो कुछ लोग जिंदगी की बोझ ढोने निकले हैं, इश्क की ऊंचाइयों में कुछ लोग बौने निकले हैं। कुछ घिनौने मजहबों के नियम बदलने निकले हैं, हवस की आग में कई मौसम घिनौने निकले हैं। और एक नज़्म सुनाना चाहूंगा, उसके आखिर में एक मुक्तक से मैं समाप्त करूंगा। तो जो नज़्म है, कुछ अधूरी बातें कुछ सवाल यूं ही छोड़ देता हूं, कुछ अधूरी बातें और कुछ सवाल यूं ही छोड़ देता हूं कि तुझको मुझसे गुफ्तगू की चाहत बनी रहे। सब कुछ एक साथ नहीं बताना चाहिए, फिर बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। इसलिए कुछ अधूरी बातें कुछ सवाल यूं छोड़ देता हूं कि तुझको मुझसे गुफ्तगू की चाहत बनी रहे। मैं अब जानबूझकर तेरी ओर नहीं मुड़ता, मैं अब जानबूझकर तेरी ओर नहीं मुड़ता, ख्वाहिश है कि दोनों तरफ अदावत बनी रहे, अदावत यानी नफरत। मैं अब जानबूझकर तेरी ओर मुड़ता नहीं हूँ, ख्वाहिश है कि दोनों तरफ अदावत बनी रहे। तुझको यूं ही इंतजार रहे हर एक पल में, तुझको यूं ही मेरा इंतजार रहे हर एक पल में, मैं चाहता हूँ तुझको मेरी आदत बनी रहे। तुम जितना बुझाना चाहो, तुम जितना बुझाना चाहो मैं जलता ही रहूंगा, तुम जितना बुझाना चाहो मैं जलता हूँ ही रहूंगा। खैर जिंदगी में कोई तो बगावत बनी रहे। कुछ अधूरी बातें कुछ सवाल यूं छोड़ देता हूँ कि तुझको मुझसे गुफ्तगू की चाहत बनी रहे। तू नहीं तो तेरा ख्याल भी आता ही रहे, तू नहीं तो तेरा ख्याल यूं ही आता ही रहे, इश्क के राह में इतनी सी राहत बनी रहे। और आखिर में है एक मुक्तक जिसे समाप्त करना चाहूँ। जैसे लोग कभी उदास होते हैं या डिप्रेस रहते हैं तो अकेला रहना पसंद करते हैं, उसी टाइम के लिए है ये। अच्छा लगता है, इसमें एक वर्ड आएगा तगाफुल। तगाफुल मतलब होता है निगलेक्ट करना, यानी अनदेखा अनसुना करना। और आना जैसा एक भाई ने बताया, वो अकर एटीट्यूड होता है, ये दो शब्द। अच्छा लगता है कभी कभी उदास रहना, अच्छा लगता है कभी कभी उदास रहना, लोगों से दूर और खुद के ही पास रहना। अच्छा लगता है कभी कभी उदास रहना, लोगों से दूर और खुद के ही पास रहना। तगाफुल नहीं करता लेकिन सख्ती जरूर है, तगाफुल नहीं करता लेकिन सख्ती जरूर है। अच्छा है लहजे पे आना का निवास रहना, अच्छा है लहजे पे आना का निवास रहना।